मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम देखने जा रहे हैं पाद संचालासना साइकिलिंग अपनी सुपाइन क्रीज में ही इसी की अगली कड़ी में, जिसमें हम मुख्यतः अपने पैरों पर काम करते होते हैं, घुटनों पर काम करते होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू ही करते हैं, इसके स्टेप प्रोसीजर को देखिए। इसके लिए जो स्टार्टिंग पोज है, बेस पोज है हमारा, सुपाइन पीठ के बल सो जाएंगे, पैर सीधा, कमर सीधा, पीठ रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, सर सीधा, हाथ दोनों जमीन की ओर कटा हुआ। हम अपने राइट लेग को उठाएंगे इनहेल करता हुआ, स्लोली जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, आएंगे नी सीधा रखते हुए। अब इसे फोल्ड करेंगे नीचे, हाथ से क्लैप करके यहाँ ले आए और फिर हाथ को वापस और इसे फिर से सीधा। ये साइकिलिंग करना है मित्रों, हम साइकिल चलाते रहे हैं अपने बचपन के दिनों में, इस तरह से ध्यान देना है। जब हम अपने पैरों को सीधा कर रहे हैं तो इनहेल, और जब बेंड कर रहे हैं तो एक्सहेल, और एक्सहेल करने के टाइम हमें ध्यान देना है कि जितना ये चेस्ट तक आ सके। ये देखिए, ये इनहेल एक्सहेल के साथ दूसरे पैर बिल्कुल सीधा रहेंगे। इसी तरह से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये आगे की ओर है और ये पीछे की ओर। ये देखिए, आराम से इसी को हम लेफ्ट लेग से करेंगे, इनहेल करता हुआ पूरा पैर उठा देंगे, कोशिश करेंगे 90 डिग्री तक लाने का। अब इसे हम चेस्ट पर ले आएंगे, चेस्ट सटाएंगे। अब हम इनहेल करता हुआ और स्ट्रेट, और एक्सहेल करता हुआ चेस्ट पर लाएंगे इस तरह से। जब हम बाहर की ओर ले जा रहे हैं आउटवर्ड, तो इनहेल और पूरा पैर को सीधा करेंगे, और जब अंदर लाते हैं कोशिश करेंगे चेस्ट तक, जहां तक आ सके यहां तक लाएंगे। इसी का ही डायरेक्शन चेंज करके अभी हम अपने घुटनों पर, थाई पर, लोअर बैक पर, एब्डोमिनल मसल पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम सुपाइन पर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यह हमारा था साइकिलिंग पाद संचालन। पाद संचालन कीजिए और अपने घुटने को, कमर को, थाई को मजबूत कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।